हेलो एंड वेलकम टू टेली खजाना। मैं हूँ एकता पांडे और आज हमारे साथ है आप सभी के फेवरेट क्रिप कपूर। सॉरी क्रिप, सबसे पहले स्वागत है आपका टेली खजाना में। थैंक यू सो मच आने के लिए, कवर करने के लिए, शो को प्रमोट करने के लिए। ओके, क्या कहना चाहेंगे, आपका न्यू शो आ रहा है बागी नारा, काफ़ी डिफरेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि अभी तक हमने कोई जो रूप लेता है तो वो नागिन हमने देखा, चील का भी हमने शो देखा, लेकिन पहली बार बागिन देख रहे, क्या कहना चाहेंगे? सी बागिन, पहली बार तो इसमें कोई कोई इच्छाधारी कुछ नहीं है इसके अंदर, कि कोई बागिन इच्छाधारी बागिन है जो बागिन का रूप ले लेती है या बदल जाती है। इट्स नॉट लाइक दैट। ये एक डिफरेंट शो है, डिफरेंट स्टोरी लाइन पर है। इसमें किरदार है, मुझ जैसा पागल सा किरदार, क्रेजी, मुझ जैसा नहीं, मतलब अब ऐसा किरदार जो क्रेजीनेस, जो क्रेजी कैरेक्टर है, जो वो जो मैंने प्ले किया है अग्नि, वो बागिन को मारता है, मार के उनकी खाल बेचना, ये बेसिकली बिजनेस है उसका। फिर किस तरह वो उसी बागिन की एक आत्मा आकर उस लड़ोमारी शो की जो मेन किरदार है अनेरी, जिसने वो प्ले किया है, उसको पोजेस कर लेती है, और फिर रिवेंज लेने के लिए, मुझसे मेरे परिवार से रिवेंज लेने के लिए, सबको मारने के लिए वो किस तरह हमारे घर पे आती है, फिर किस तरह मैं बाघ बनता हूँ, बाघ अवतार का रूप लेता हूँ, और उसके टक्कर में कोई तो होना चाहिए ना, तो फिर वो मैं कैसे क्रिएट कर आमने सामने खड़े होके, तो पूरा ऐसा वाला मसाला है, एक्शन पैक पूरा है। लंबा समय ये है कि इट इज़ नॉट बाय चॉइस और नॉट इवन इनफैक्ट विद चॉइस। मैं कुछ समय से मैं OTT कर रहा था, एक साल से तो मैं यही इसी की शूटिंग चल रही थी, और उससे पहले मैंने एक देवेंदु भट्टाचार्य और नैना सिंह के साथ एक सीरीज़ करी, इन्हीं की है, वो भी बहुत बड़ी सीरीज़ है, वो 6 एपिसोड है, तो उसमें मसरूफ था। फिर उससे पहले एक उद्धमगढ़ एक सीरीज़ है जो आई थिंक इसी साल रिलीज़ होने वाली है, वो किरण कुमार, इकबाल खान, मैं, निशान मलकानी, वी ऑल आर देयर, एंड उसमें मसरूफ था। हाँ, TV से थोड़ा सा मैं दूर था, TV पे आई थिंक काफ़ी लोगों के गिले शिकवे हैं जो बोलते रहते थे कब आप TV पे वापस आओगे, बट मैं उनसे ये दुआ करता हूँ, उनसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि प्रे, ताकि मैं बड़े पर्दे पर आऊँ, यू नो, OTT पर आऊँ, वेब में आऊँ, बहुत सारा नाम, बड़ा नाम, मतलब अगर आप चाहते हैं तो प्रे करो ना, ऐसा नहीं है मुझे TV नहीं करना, मैं TV करूँगा डेफिनेटली, बिकॉज TV ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, TV ने मुझे नाम दिया है, मुझे हर घर का एक चेहरा मुझे बनाया है, TV ने बहुत सारा फेम दिया, बहुत सारे पैसे भी गंवाए मैंने, नो डाउट। तो आई एम वेरी मच ओपन फॉर TV एंड आई वॉन्ट टू डू TV, मरते दम तक करता रहूँगा, कोई उसके लिए मनाही नहीं है, और मैं करना चाहता था बट किसी ने काम दिया नहीं काफ़ी समय से। मैं बोल के थक गया, भाई दे दो, बट ठीक है, अभी आई थिंक इट्स कम बैक हुआ है, और मैं बीच में थोड़ा सा मैंने गेन भी कर लिया था कुछ शो के लिए, मैंने अपने वो काफ़ी पुटन कर लिया था, मैं थोड़ा शेप में आया हूँ वापस, जैसे सिक्स पैक्स बनाए हैं, बॉडी बना ली है मैंने, तो आई थिंक अभी इट बिकम्स, बिकॉज TV में बॉडी की बहुत इतना ज़रूरत होती है, इट इज़ अ फर्स्ट रिक्वायरमेंट, यू नो, द गाय शुड हैव अ फिजिक, सिक्स पैक एंड एवरीथिंग, यू नो, फिट एंड फाइन, तो वो वापिस से बोले आए हैं, तो आई एम श्योर नाउ ऑल द मेकर्स जिन्होंने जब अब तक मुझे काम दिया है और जिन्होंने नहीं भी दिया, वो सब लोग अब देखेंगे और दे विल डेफिनेटली गोना गिव मी वर्क। ओके, आप जानना चाहेंगे TV से आप दूर है, तो बॉलीवुड में आपने ट्राई किया कि बॉलीवुड डेब्यू कर लूँ? अभी नहीं, अभी आई थिंक अभी ऐसा कुछ मेरा वो नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि भगवान करवाएगा बड़ा, और मुझे लगता है कि जितना बड़ी चीज़ इतनी आराम से मिले, उसको उतने अच्छे तरीके से ना मैं निभा पाऊँगा, है ना, ऐसा नहीं है कि कौन नहीं करना, करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू डू, एंड उसको जब लगेगा कि मैं तैयार हूँ, वेन माई गॉड विल हैव द श्योरिटी अबाउट इट कि मैं अब बिल्कुल तैयार हूँ, अब मैं कहीं लैक नहीं कर रहा, वो दे देगा। ओके, अगर आप डेब्यू भी करेंगे तो किस एक्टर या किस डायरेक्टर के साथ करना चाहेंगे, जो आपका ड्रीम डायरेक्टर? सब बड़े डायरेक्टर्स, सब बड़े, हु डजंट वांट टू डू, सब बड़े डायरेक्टर्स। सी, आई एम नॉट अ, अभी इनिशियली तो मैं कुछ चूज नहीं कर सकता ना, कि मेरी, हाँ, आई मैनिफेस्ट एवरी डे दैट आई शुड वर्क विद ऑल द बिग डायरेक्टर्स, जो जिनके छत्रछाया में सारे एक्टर्स जो होते हैं वो अच्छे निकल के उभर के बाहर आते हैं, कौन नहीं चाहता, हु डजंट वांट टू वर्क विद चंद्रीला बंसाली, हु डजंट वांट टू वर्क विद महेश भट्ट, हु डजंट वांट टू वर्क विद करण जौहर, हु डजंट वांट टू वर्क अंडर यश राज बैनर, हु डजंट वांट टू वर्क विद अनुराग कश्यप, डेफिनेटली आई ऑल्सो वुड लव टू वर्क विद ऑल दीज बिग डायरेक्टर्स, रिस्पेक्टेड डायरेक्टर्स, जिन्होंने एक बेंच मार्क क्रिएट किया है, बस ये है कि उनकी नज़र अभी तक पड़ी नहीं है मेरे पे, एंड आई एम डैम श्योर जब पड़ जाएगी, जब ऊपर वाले को लगेगा, तो उनकी दृष्टि जब पड़ेगी, तो दे विल डेफिनेटली गोना कास्ट मी, डूड, डैम श्योर अबाउट इट।
ओके आपसे जानना चाहिए, मतलब काफ़ी टाइम से आप कम बैक करने की कोशिश कर बॉलीवुड या सीरियल, कभी ऐसा हुआ कि आपको मिला हुआ चांस किसी और को मिल गया इनिशियल डेज में? जैसे कभी मतलब मुझे कास्ट करके मुझे कंसिडर करके किसी और को दे दिया हो तो मुझे पता नहीं, आई एम रियली, और मैं इतना ज़्यादा मतलब मुझे मैं सोचता भी नहीं हूँ और मेरे को ध्यान भी नहीं होता, जिसको मुझे कास्ट करना है वो मुझे करेगा और मैं तब होऊंगा जब ऊपर वाला चाहेगा। आई बिलीव ट्रूली इन गॉड, आई ट्रूली बिलीव इन मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्ट, आई बिलीव वॉट यू विश यू गेट इट, एंड पीपल लाइक मी हुज कम फ्रॉम नोवेयर, जिनका कोई कोई कहता ना कोई रिलेशन कोई कनेक्शन नहीं था, उनके लिए सिर्फ एक ही कनेक्शन होता है, यू विश यू मैनिफेस्ट, एंड मैनिफेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। उसी से आई थिंक वो बड़ी कमाल की चीज़ है, मैं अभी हाल ही में मैंने शुरू किया है मैनिफेस्ट मेडिटेशन, बट इट रियली इट्स वेरी नाइस। सो आई बिलीव यू विश पूरा आसमान, खोने के लिए कुछ नहीं है बट पाने के लिए पूरा आसमान है, हम लोग विश करते रहे हमको मिलता रहेगा। क्योंकि मेरे सारे दोस्त मित्र यार सब, जैसे कि सिद्धार्थ शुक्ला, पवित्र पूर्णिया वाला, पारस छाबड़ा, सब मेरे फ्रेंड्स, प्रतीक सेजपाल इज अ डियर फ्रेंड, एंड फलक, अविनाश, तो जब जब जो जो मेरे पहचान के रहे तब तब मैंने हाफ कोर्स, लेकिन नॉट अ रेगुलर, मैं वो नहीं हूँ, रेगुलर नहीं हूँ, क्योंकि उस में भी उस टाइम में मैं बिजी होता हूँ और वो मैं इतने वो जब जाकर OTT पे देखना वो टाइम नहीं मिल पाता जी। तो बट हाँ खबर रहती है मुझे, क्योंकि मेरी वाइफ शी इज़ अ वंडरफुल, शी इज़ अ वेरी बिग फैन ऑफ बिग बॉस, तो वो कोई भी एपिसोड मिस नहीं करती, उनके पास सारी खबर होती है बिग बॉस की, तो मैं घर जब पहुँचता हूँ मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि आज ये हुआ था। बहुत कुछ यही एक्सपेक्टेशन है जो हमें थी कि ये शो शुड क्रिएट अ बेंचमार्क, एंड मैं यही चाहता हूँ, ये उम्मीद करता हूँ कि हर ऑडियंस जो अभी प्रोमो देखकर जुड़ी है और जो अभी तक नहीं जुड़ी है प्लीज जुड़ जाओ पहले तो उनके लिए, और जो जुड़ गई है यू गाइस गोना लव इट, इट्स अमेजिंग, फुल ऑन एक्शन पैक, लॉट ऑफ थ्रिल, एवरी सीन विल थ्रिल यू, सो वॉच इट, give me so much love and I want that love. Thank you. Thank you, Krip.